अस्सलामुअलैकुम, मैं शेफ़ ज़िया और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बाबा दिल्ली किचन। आज बाबा दिल्ली किचन में आप तमाम देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम। और आज मैं मीठे दही बड़े की रेसिपी लाया हूँ आप लोगों के लिए। क्रिस्पो के कराची में एक बंदर रोड पे एक दुकान है, क्रिस्पो के नाम से बड़े मशहूर है। उसके दही बड़े बहुत लजीज होते हैं। तो आज उस रेसिपी का आगाज़ करते हैं विदाउट चूल्हा। गैस नहीं आए आपके घर में कोई मसला नहीं, इसके साथ आप बना के रोटी के साथ खा सकते हैं। चलिए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, 500 ग्राम दही है। ये हमने दही को इसको इस तरह फेंट लेना है फेंटू की मदद से। उसके बाद 200 ग्राम फ्रेश क्रीम है, फेंटू की मदद से फ्रेश क्रीम भी हमने फेंट लेनी है। आइस केक के ऊपर भी यही इस्तेमाल होती है। न्यूटोन की फ्रेश क्रीम है ये, न्यूटोन एक बड़ी कंपनी है, नामी गिरामी कंपनी है, उसकी फ्रेश क्रीम है और फिर सस्ती भी है। मेरे ख्याल से 350 का पैकेट है इसका, एक किलो का, और रिजल्ट 100% देती है ये, तो ये ज़्यादा बेहतर है। एक तो क्वान्टिटी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है और क्वान्टिटी के अलावा भी मतलब रिजल्ट 100% है, तो फिर हम यही यूज़ करते हैं न्यूटोन की फ्रेश क्रीम। अच्छा, 100 ग्राम शक्कर है और इसका ब्लैक मसाला है, बड़ा लजीज मज़ेदार होता है। ये बूंदी है, इसको हमने 100 ग्राम बूंदी, आधा किलो दही में 100 ग्राम बूंदी काफ़ी होती है। तो इसको हम अगर अर्जेंटली हमारे घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तो हम इसको चूल्हे पर चढ़ा के पानी डाल के रख देते हैं चार मिनट के अंदर नीम गर्म पानी के अंदर। 2 मिनट 3 मिनट आप पानी चूल्हा चालू करें, उसके बाद चूल्हा बंद कर दीजिए। ये फौरी तौर पर हो जाती है। और वैसे अगर पानी के साथ खाली चूल्हे के साथ नहीं गर्म करना चाहते तो मैक्सिमम आधा घंटा लेती है ये नरम पड़ने के लिए। ठीक है, रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अब हमने इसका दाना ख़त्म कर देना है, ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने 100 ग्राम चीनी इसमें ऐड कर देनी है। 100 ग्राम चीनी को थोड़ा सा हमने फेटू की मदद से इसको घोल लेना है। ठीक हो गया, चीनी के बाद हमने इसमें मैक्सिमम, ये आप पे डिपेंड करता है, लज्जत ज़्यादा चाहिए तो 100 ग्राम और ज़्यादा लज्जत चाहिए तो 200 ग्राम, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये हमारी बूंदी तैयार है, हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं बूंदी को, आधा किलो दही, 200 ग्राम फ्रेश क्रीम और ये आपकी बूंदी 100 ग्राम, ये बोल भर ही आता है इसके अंदर। ये हमने जिस तरह सेब का मुरब्बा होता है इस तरह हमने इसका मुरब्बा बना लिया था। कड़ी पत्ते को हमने पका के और चाशनी में चढ़ा दिया था। ये कड़ी पत्ता गार्निश के लिए, ये इसके साथ चाट मसाला। आपकी समझ तक मैं ये दोबारा आपको बता देता हूँ, 100 ग्राम बूंदी थी हमारी, 200 ग्राम फ्रेश क्रीम थी, 500 ग्राम हमारा दही था और बाकी 100 ग्राम इसमें हमारी चीनी थी। और चाहे तो आप कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करें ना करें, डिपेंड करता है आपके ऊपर, पर यह है कि चाट मसाला थोड़ा, ये दही बड़े का मसाला थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वाइज होना चाहिए, पापड़ी होना चाहिए इसके साथ। 4 से 5 मिनट के अंदर ये डिश तैयार हो गई है मीठे दही बड़े की। आप क्रिस्पो को भूल जाएंगे, क्रिस्पो के दही बड़े आप भूल जाएंगे ये दही बड़े खाने के बाद।
सुभान अल्लाह। आउट गिलास, इसको आप रूम टेम्परेचर पे रखिए या एक आधे घंटे के लिए फ्रिज में डाल दीजिए, क्योंकि बूंदी अभी अभी चूल्हे से उतर कर आई थी तो थोड़ी बूंदी के अंदर हीट है एक 10%, ताकि वो हीट निकल जाएगी, थोड़ा सा ठंडा सा माहौल बन जाएगा। जिस तरह एसी में मज़ा आता है, इस तरह थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो खाने में भी मज़ा आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।